दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिगो की फ्लाइट में बैठा एक पैसेंजर फ्लाइट के पायलट पर हाथ उठाता हुआ नजर आता है। इस वीडियो को देख सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पैसेंजर को इस तरह अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, पायलट की इसमें क्या गलती थी। लेकिन पैसेंजर को इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने जाकर सीधा पायलट को थप्पड़ ही जड़ दिया। अब तक जो बातें सामने निकल कर आई है उसमें यही बताया गया है कि फ्लाइट के डिले होने की वजह से पैसेंजर ने अपना आपा खो दिया था। लेकिन अब एक महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कहानी शेयर करते हुए ये दावा किया है कि वो उसी फ्लाइट में बैठी थी और पैसेंजर ने इस वजह से हाथ उठाया क्योंकि कैबिन क्रू के लोगों और पायलट ने पैसेंजर को उकसाया था। इस महिला का नाम है एवगेनिया बेल्सकिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो के स्टाफ ने एक घंटे की देरी कहते कहते 10 घंटे लगा दिए और इसके बाद जब उन्हें फ्लाइट में बैठाया गया तब भी फ्लाइट ने 2 घंटे तक उड़ान नहीं भरी, जिसके बाद फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स का गुस्सा फूट पड़ा और वो क्रू से फ्लाइट की देरी को लेकर सवाल पूछने लगे। इसके बाद फ्लाइट के पायलट ने आकर देरी के लिए पैसेंजर्स को ही जिम्मेदार बता दिया और कहा कि आप लोगों के बार बार सवाल पूछने की वजह से हमने अपनी टर्न मिस कर दी है और अब फ्लाइट को उड़ान भरने में और भी देरी लगेगी। इस पर फ्लाइट में बैठे एक व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया और उसने पायलट को जाकर मुक्का जड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। इस रशियन पैसेंजर बेल्सकिया ने यह तो कहा कि पैसेंजर ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन साथ ही वो ये भी मानती है कि इंडिगो फ्लाइट के स्टाफ का रवैया भी पैसेंजर्स के साथ सही नहीं था। इस वक्त फ्लाइट को लेकर कई कंप्लेंट सोशल मीडिया पर आ रही हैं। कुछ दिन पहले रणवीर शौरी ने भी इंडिगो की फ्लाइट डिले होने की वजह से उन्हें हुई परेशानी का अपना एक किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया था।